आपके फ्रेंड्स हो, माँ, आप जैसे जानते हैं कि मुझे कुकिंग का भी शौक है और मुझे गार्डनिंग का भी शौक है, किस तरह से मैं वेस्ट मटेरियल यूज़ करके अपने गार्डन को मैं लगाती हूँ और यूज़ करती हूँ और गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, अपना छोटा सा गार्डन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि ये मेरे बच्चों की वाटर बोतल थी और मैंने सोचा इस वाटर बोतल को, बहुत सारी वाटर बोतल मैंने अपने बच्चों की ऐसे ही फेंक दी थी, तो मैंने सोचा इनका कैसे यूज़ किया जाए, तो मैंने इनमें भी प्लांट लगा दिए। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मैंने ऐसे हैंग कर रखा है, ये देखिए। एक में मैंने सिंगोरियम प्लांट लगाया है और एक में मैंने मनी प्लांट लगाया है। देखने में इतनी सुंदर लग रही है और ये जो और बढ़ेंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। ये देखिए मेरे पास ये बच्चों की जो साइकिल होती है उसका एक बास्केट पड़ा था, तो मैंने इस पर भी ये लगा दी। इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए ये मेरे बच्चे की चेयर थी जो टूट गई थी, तो उसको मैंने उस पर भी एक प्लांट लगा दिया। पहले मैंने इस चेयर पर एक प्लांट लगा रखा था, स्पाइडर प्लांट, मगर फिर उसको डेप्थ चाहिए थी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक प्लांट रख दिया। और ये भी क्या है, रोटी का ये कैसरोल होता है ना, ये देखिए कैसरोल है, ये रोटी रखने का कैसरोल है, जिसका भी मैंने प्लांटर बना रखा है। अब आगे देखिए, ये देखिए ये सिंक है, किचन में यूज़ होने वाली सिंक होती है ना, उस पर भी मैंने ये प्लांट लगा रखा है। ये तो एवोकाडो का प्लांट है, एवोकाडो एक फ्रूट होता है, वो लगा रखा है मैंने इसमें। देखिए आती हूँ मैं आपको अपने प्लांट के शौक के बारे में। ये देखिए मैंने ये सारे प्लांट, आप देख रहे हैं ना, ये सारे प्लांट कोई भी, सारे इंडोर प्लांट हैं, वैसे इंडोर आउटडोर सारे हैं, मैंने कोई भी प्लांट छोड़े नहीं है, सारे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये देखो ये कप, मैं आपको एक एक प्लांट दिखाना शुरू करती हूँ। ये देखो मेरे पास ऐसा बड़ा था, इसमें मैंने ये मनी प्लांट लगा रखा है। ये घर के मेरे दो टूटे कप थे, इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। ये देखिए इसमें मैंने स्नेक प्लांट का छोटा सा लगा रखा है, सारे इंडोर हैं, जब चाहो इनको घर में भी रख सकते हो, ये मैंने सदा बाहर लगा रखा है। ये देखो ये ऑयल की कैन होती है ना, ऑयल की कैन, ये देखें ये ऑयल की कैन है, मेरी बेटी ने इसको काट दिया था, इसमें ड्राइंग करके एक बटरफ्लाई बना रही थी, लेकिन ये बटरफ्लाई नहीं कटी, कुछ और ही कट गई, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है, तो इसको भी मैंने एक प्लांटर बना दिया। इसमें मैंने सिंगोरियम प्लांट लगा दिया है, ये देखिए, और एक पॉलिश भी लगाया है ताकि ये कलरफुल लगे। उसके बाद ये देखिए स्पाइडर प्लांट की वैरायटीज़, सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। ये छोटी बास्केट होती है बाथरूम में, ये लीक करने लग जाती है तो मैं प्लांट लगा देती हूँ। ये मैंने रियो प्लांट लगाया है, ये देखिए इतनी जल्दी फैलता है, तो बास्केट बना लो आप तो बहुत ही सुंदर बास्केट बनती है। ये देखिए सारी बास्केट ही हैं, ये देखिए स्पाइडर प्लांट भी एक बास्केट में लगा हुआ है, ये देखिए ये भी एक बास्केट है, ये भी एक बास्केट है, ये भी छोटे छोटे, तो ये सारी चीज़ें आप घर के वेस्ट मटेरियल से ही अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गार्डन। ये देखिए चेयर मैंने आपको दिखाई है इस तरीके से, एक ये बनाना कट भी लगा रखा है मैंने घर में, ऐसी पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ से, ग्रीनरी है ये। और ये एक ये मैंने अपने गेट पर भी ये मधुमालती लगा रखी है, ये देखिए बैम्बू से मैंने इस गेट के ऊपर एक बनाया है ऐसा, और उस पर मधुमालती की बेल चढ़ा दी, जब उसमें रेड कलर के फूल फ्लावर्स आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दो बास्केट मैंने यहाँ इस गेट के ऊपर लगा दी है, ये देखिए ये गेट का डेकोरेशन किया है, कितना सुंदर लग रहा है गेट का डेकोरेशन, ये देखिए। और गेट के साथ ही साथ ये देखिए ये इस तरीके से मैंने आगे ऐसे सुंदर से प्लांट लगा दिए हैं ताकि बहुत सुंदर लगे, ये देखिए। तो आपको कैसा लगा मेरे गार्डन का, कैसा गार्डन लगा मुझे बताइएगा, और मैं और भी दिखाती रहूँगी आपको, अगर आपको पसंद आएगा तो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।